हेलो 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 अच्छा मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी क्या सॉरी सॉरी वो ना मैं म्यूट करके स्टार्ट किया था और फिर मुझे पता ही नहीं चला कि आवाज़ नहीं आ रही है मैंने अनम्यूट नहीं किया hmm, कब से हो कैसे हो मैं अच्छी हूँ आप बताओ आप कैसे हो अब भी नहीं आवाज़ आ रही क्या हेलो हाय नोमी वेलकम और विकास बोलते हैं हेलो मालकिन जी हेलो और अब भी अभी आवाज़ आ रही क्या अभी तो मैं बोल भी रही हूँ <laughs> आप मेरी प्यारी दीदी हो बिल्कुल नमस्कार मैम नमस्कार पानीपुरी दर्स टाइल हवा यू आई एम फाइन जी आप बताओ आप कैसे हो और कहाँ थी मैं आ गई आवाज़ ओके थैंक यू आप मेरी सबसे प्यारी दीदी हो थैंक यू और इर्शाय जी बोलते हैं अच्छा हाय एंड थैंक यू सो मच फॉर द मेंबरशिप हेलो मैम हेलो राहुल बोलते हैं कैसे हो एक सवाल है आपसे हाँ जी बोलो वी कैन हेयर यू थैंक यू आ गई आवाज़ अब ओके दवा टेल बोलते हैं आई एम गुड आई एम ऑल्सो गुड एंड ब्रदर सिस्टर बोलते हैं लव यू दी एंड वरदान बोलते हैं कुछ बॉयज़ को वुमेन के क्लॉथ्स वेयर करना क्यों पसंद है ये अपनी अपनी फैंटीज़ होती हैं ना किसी की कोई फैंटेसी होती है किसी की वो कोई फैंटेसी होती है उसके पीछे रीज़न भी अलग अलग होते हैं ऐसा नहीं है कि सबके पीछे एक ही रीजन होता है किसी को किसी रीजन से ये चीज़ पसंद होती है और रवि शर्मा बोलते हैं राम राम जी राम राम दवासी टैल बोलते डिनर हो गया हाँ जी डिनर तो कब का हो गया <laughs> वो बस ऐसे ही मैं बैठी हुई थी फिर फोन तो देखना था मैंने सोचा चलो थोड़ी देर लाइव कर लेती हूँ फिफ्टीन मिनट के लिए ऑनली और आप मेरी सबसे अच्छी दीदी हो और दोस्त हो बिल्कुल और मोंटी बोलते हैं लव योर चैनल एंड ऑल योर एफर्ट्स थैंक यू आ, मैं आपको हमेशा मिस करता हूँ <laughs> मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ क्वेश्चन आप यहाँ लाइव में पूछने के बजाय ना अगर कम्युनिटी पे पूछोगे तो बहुत अच्छा होगा आ गया हीरो वेलकम अभी <laughs> और ये ब्रदर सिस्टर को तो भाई क्या क्या पसंद है सॉरी दी एक पायल ली अभी सौ रुपये की दी दी के लिए अच्छा <laughs> और अमन बोलते कैसे हो दीदी -दी? मैं अच्छी हूँ अमन लाइक दम थैंक यू तुम बताओ तुम कैसे हो बहुत दिन बाद और शाहजी बोलते हैं है मैम आप मेरा इंस्टाग्राम का मैसेज चेक करो प्लीज़ इंस्टाग्राम का मैसेज मैंने चेक किया था वहाँ पर तो मुझे कोई न्यू मैसेज शो हुआ नहीं आपका आ, कल कमेंट के बाद मैंने देखा था तो वहाँ पर तो मुझे शो नहीं हुआ और वजील बोलते हैं ओके हाँ जी अभी बोलते हैं कैसे हो मैं बढ़िया हूँ अभी तुम बताओ तुम कैसे हो एंड अदनान मोम साजिया ओ हो 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 डिनर कर ली मेरी प्यारी दीदी हाँ अभी डिनर हो गया आप बताओ आपका हुआ आ, दीदी आप मेरा नाम नहीं लेती मैं नाराज़ हूँ आपसे बहुत अभी नाम है तो नहीं ना कुछ ब्रदर सिस्टर आपकी आईडी का नाम है बताओ अब जी बोलो ये फैंटसी क्या होती है ये तुम्हारी सोच से परे की बात है मन तुम्हें नहीं समझ में आएगी जो नॉर्मल लोग होते हैं ना उनको नहीं समझ में आती है फैंटेसी होती है जैसे कुछ हटके शौक रखना किसी को किसी चीज का शौक होता है किसी को किसी चीज का शौक होता है वो उसी के बारे में सोचते हैं उसको करना चाहते हैं बस यही फैंटसी है समझ लो ना फैंटसी का मतलब यही है किसी को फीट फैंटेसी होती है जैसे पैर बहुत अच्छे लगते हैं किसी को बाल बहुत अच्छे लगते हैं किसी को लड़कियों के कपड़े पहनने का शौक हो जाता है ये सब अलग अलग सी चीजें हैं हाँ दीदी आ गई आ गई आ गई आ गई अच्छा एंड शांतनु डे वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर द मेंबरशिप पानीपुरी बोलते हैं आई रिक्वेस्ट मैम प्लीज आंसर देना इंस्टा पे इंस्टा पे तो मैं आंसर नहीं दे पाऊंगी आप कम्युनिटी पे ही मैसेज करना ओके दीदी मुझसे भी बात करो ना इंस्टा पे अरे भैया इंस्टा पे बात करने का टाइम नहीं है अथरवा हेलो हेलो और मेरी दीदी बहुत अच्छी हैं हाँ अच्छी तो बहुत हूँ बट आजकल ना बिज़ी बहुत हूँ इंस्टा तो देखती ही नहीं हाँ मेरी बहन का नाम फौजिया है और मेरा नाम आदिल है अच्छा और अभी बोलते मैं बहुत अच्छा हूँ दीदी हाँ दीदी चिकन बिरयानी वेज मंचूरियन पनीर बटर डोसा और ओ, हो जाओगे गोल मटोल इतना सब कुछ खा के एंड <laughs> अक्षय कुमार हाय खानो पट्टी मैम इंसस्ट वीडियो क्यों अपलोड नहीं कर रही हो बिकॉज आप लोग समझते नहीं हो इंस्ट जो मैं समझाने के लिए वीडियो बनाती हूँ आप वो समझते तो हो ही नहीं और इंसस्ट पे कोई आपकी रिक्वेस्ट होती है ना तो उसके लिए भी मेंबरशिप ले लो वहाँ पे इंसेस्ट वीडियो शेयर करूंगी मैं पब्लिकली नहीं करूँगी प्रॉब्लम आप लोगों की होती है उसका मैं कोई वीडियो बनाती हूँ उसके लिए फिर ऊपर से आप लोग उल्टा मुझे गालियाँ पड़ जाती हैं अच्छा मैं नॉर्मल हूँ तो बाकी सब क्या एब नॉर्मल है अरे यहाँ पे बहुत सारे लोग एब नॉर्मल दिखेंगे अब तुम्हें <laughs> नॉर्मल इंसान नॉर्मल लाइफ जीते हैं उनको नॉर्मली चीजें पसंद होती हैं ठीक है ना कुछ अलग सा हटके सारी सब कुछ सोच साच के देखो ना कुछ ऐसा अजीब तो पसंद नहीं है ना हम तो नॉर्मल इंसान है ना नॉर्मल लाइफ जीने वाले नॉर्मल चीज़ें पसंद करने वाले मुझे भी एक फैंटेसी थी दीदी हाँ जो अभी ठीक हो गई रवि शर्मा बोलते हैं मैं मेरी फैंटेसी सक्सेसफुल होना है लाइफ में ये तो सबकी होती है भाई और होनी भी चाहिए अब सक्सेसफुल नहीं बनना तो फिर लाइफ में रखा क्या है, है ना हाँ दीदी आप सही बोले ऐसा ही है हम्म हनी सिंह भी तो बोलता है सॉन्ग में तू है मेरी फैंटेसी <laughs> हाँ तो वो किसी के पीछे पागल है ना तो बोलेगा ही आप कैसे हो आंटी मैं अच्छी हूँ थे वह आप बताओ आप कैसे हो बोलो ना क्या करूँ बोलो ना क्या करूँ आपने कुछ पूछा था क्या कम्युनिटी पे मैसेज करना नहीं आता मैं मेरे को अच्छा जब मैं फोटोज़ वगैरह पोस्ट करती हूँ ना उनके नीचे कमेंट कर देना कम्युनिटी पोस्ट दिखाई देती है ना कभी कभी फोटोज डालती हूँ वहाँ पे और एक ही बोलते हैं नमस्कार मैम नमस्कार बस एक बार बोल दे कि मेरी बहन को कि अरे राम अरे और अभी बोलते हैं गोल मटोल तो है दीदी विंटर में पेट पर खाना खाया खाना खाना चाहिए अच्छा इतना भी नहीं खाना चाहिए कि सर्दियों में और मोटे हो जाओ एक तो वैसे ही विंटर सीज़न होता है इसमें वजन बढ़ जाता है है ना और कमल कुमार बोलते हैं हाय हेलो मेंबरशिप कैसे ले? लें मेंबरशिप ये चैनल नेम के साइड में जो ज्वाइन आइकन आता है ना ज्वाइन लिखा हुआ आता है उस पर क्लिक करोगे तो आगे आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे बाकी इंस्टेस्ट की बात मेंबरशिप में ही होगी ऐसे नहीं होगी और आरसी लॉयल बोलते हैं हेलो मैम हेलो अविनाश शर्मा हाय मैं नॉर्मल में आ गया दीदी -दी. <laughs> हाँ अभी तो नॉर्मल में हो अभी पहले थे तुम्हारे अंदर कुछ अलग तरह की थॉट्स अब नहीं है ना तो अब नॉर्मल हो और शानू बोलते हैं हाय हेलो और अमन बोलते हैं बाकी सब को छोड़ा आपको क्या पसंद है दीदी -दी? आपकी फैंटेसी क्या है मेरी तो कोई फैंटेसी नहीं है अमन कोई फैंटेसी नहीं है मेरी मैं तो एकदम से नॉर्मल शांत जिंदगी जीती हूँ अपने बच्चे अपना हस्बैंड अपना घर मेरी कोई फैंटेसी नहीं है हाई यू मैम कैसे हो मैं बढ़िया हूँ जी आप बताओ आप कैसे हो इंस्टाग्राम पे मैं मैसेज करूँगा अरे इंस्टाग्राम के मैसेज नहीं चेक कर पाती हूँ सच्ची में नहीं कर पाती हूँ इनके मैसेज भी बहुत कम देख पाती हूँ मैं ये जब खुद कमेंट करके बोलते हैं ना कि मैसेज किया है प्लीज चेक कर लेना वरना इंस्टाग्राम पे सच्ची में टाइम नहीं है और इतने सारे मैसेज पड़े होते हैं हो, उसमें मेरे को सिर मारना पड़ता है मैसेज ढूंढने के लिए भी हाँ आई लव माई वाइफ मैम मेरी सगी मोम काफ़ी हाँ हा, 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 क्या मैं करूँ मेरी मोम को मेरे लोगों में इंटरेस्ट है तो भाई आपकी मोम की पसंद है ना करने दो लेने दो उनको इंटरेस्ट उनकी लाइफ है मैम अभी तक आपने मेरे टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाई कौन से टॉपिक पर मैं भूल जाती हूँ और हेलो शानू जी कैसे हो आप यू आर वेरी ब्यूटीफुल थैंक यू मैं अच्छी हूँ जी आप बताओ आप कैसे हो अपग्रेडेड मेमोरी प्रिंस राजपूत हेलो <coughs> और श्याम बोलते हैं एक बात पूछें हम्म पूछो अगर पूछने लायक हो तो और अविनाश शर्मा बोलते हैं सोना है सुरेश बबानी हेलो सुरेश भाई दूसरी आई से वेलकम आ, वेट मेरा कभी नहीं बढ़ेगा दीदी एटी केजी ओनली हम मेंटेन कर लेते हैं अच्छा एटी केजी मेंटेन करके ठीक है शक्ल देख के तो ज़्यादा लगता है अभी <laughs> फोटो में देखो कैसे डीपी से बाहर निकलने वाले हो रहे हो आंटी मैंने हेयर कट करवा लिया खुशी पे ब्यूटी पार्लर वाली आंटी ने कर दिया वेरी गुड आर के रोहन बोलते हैं हाय मैं मैं एक सवाल पूछूं आपसे आपको शायद हंसी आए अच्छा पूछो पूछो आ, ये बताओ कि लड़कियों के कपड़े गर्म आते हैं तो लड़कियों लड़कों के नहीं आते अरे आते हैं लड़कियों के लड़कों के भी आते हैं ये किसने बोला कि नहीं आते अभी बोलते हैं अभी भी थॉट्स हैं दीदी बस वो निकलना बंद हो गए हाँ थॉट्स तो आ जाती है किसी किसी चीज़ की ऐसी कोई बात नहीं है थॉट्स आ जाती हैं बट उन पर कंट्रोल हो ना वो ठीक रहता है फैंटेसी मतलब ना ऐसी चीज़ हो जाती है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती है इंसान का ना उस पर बस नहीं चलता वो छुप छुपा के वो काम करता है वही तो फिर फैंटेसी होती है ना आ गुड टू हेयर दीदी आप भी नॉर्मल हो मेरी तरह हाँ तो भाई बहन नॉर्मल होंगे ना मेरे भाई थोड़ी ना अब नॉर्मल हो सकते हैं नहीं नहीं आ, सुरेश भाई बोलते हैं दीदी हाँ जी बोलो बलजीत सिंह हाय राजेंद्र राम राम आ, अच्छा दी चलता हैं गुड नाइट सी यू अगेन गुड नाइट टेक केयर और अब भी बोलते हैं आपकी पास बहुत स्वीट है शुक्रिया दीदी आप कैसे पहचान लेते हो मुझे इतने दिन से आप मेरे चैनल पे आते हो तो पहचानोगी नहीं आपकी दोनों आईडी को पहचानती हूँ मैं बलजीत सिंह बोलते हैं सो स्वीट बॉयस आपका ज़रूर बताऊंगी भाई और दूसरी आईडी कैसे पहचान लेते हैं हाँ तो दोनों आईडी मेरे चैनल पे आती है ना काफ़ी टाइम से मैम हॉट लड़के स्मार्ट लड़के क्यूट लड़के हैंडसम लड़के चॉकलेट बॉय इनमें क्या डिफरेंस है प्लीज़ बताइए ताकि मैं जान सकूँ कि मैं इनमें से कौन सी कैटेगरी में आता हूँ अच्छा हॉट लड़के स्मार्ट लड़के क्यों लड़के इसपे वीडियो बनाऊँ क्या अच्छा टॉपिक है ना चलो अपना ना मेरी वीडियो पे या कम्युनिटी पे ये मैसेज छोड़ना फिर इस पे वीडियो बनाते हैं ओके मेरा टॉपिक वर्जिन गर्ल्स और नॉन वर्जिन गर्ल्स के प्राइवेट पार्ट में डिफरेंस क्या होता है डिटेल वीडियो चाहिए अच्छा अच्छा अरे हाँ भूल जाती हूँ मैं वही तो बोलती हूँ ना याद नहीं रहते हैं आपने सच्ची में पहले भी बोला था मैम इंटीमेट होना पसंद है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई ये तो उनको देखना होगा ना अभी मैं क्या बताऊँ बताओ आप मैम क्या किया जाए हाँ जी दीदी दी। राजेंद्र बोलते हैं नमस्ते नमस्ते जी श्याम बोलते हैं बताइए ना क्या बताऊँ ऊपर के मैसेज पढ़े भाई इतना ही ध्यान रहता है और पार्लर वाली आंटी को बताया कि मैम ना पनिशमेंट दी तो आपने मेरा हेयर कट कर दो इतना शॉर्ट कर देना कि मैम के हाथों से पोनी नहीं बने आंटी पार्लर वाली आंटी ने बोला ठीक है मैं कर देती हूँ हाँ तो हो गया ना टीचर की पनिशमेंट से बच गए ना और क्या चाहिए आई हाँ फाइन और अजीत बोलते हैं हाय खानू पति मैम आपकी भाई बहन कितने हैं क्या करोगे जान के और राहुल रॉय बोलते हैं बोलो बोल तो रही हूँ और अविनाश शर्मा बोलते हैं क्या मेल्स में भी नेवल पियर सिंह कॉमन है सबकी अपनी अपनी पसंद होती भाई आजकल कुछ भी ना रेयर नहीं है किसी को कुछ भी मन करता है वो कुछ भी करता है बॉयज को अच्छा लगता है तो बॉयज भी अपनी नेवल पेयर्स करवा लेते होंगे आजकल कोई कुछ भी कर सकता है पहले तो इसको ही उड़ा दूँ मैं कौन है ये शाम निकल भाई आया है चल के आ, आप फिर पार्लर वाली आंटी ने मुझे अंदर आने को बोला पार्लर चेयर पर बैठने को बोला मैं बैठ गया फिर उन्होंने हेयर गिल कर हेयर कट स्टार्ट कर दिया अच्छा गलत कट कर दिया गलत कट कर दिया आपकी आवाज़ मैम अगर ओहो वेयर आर यू फ्रॉम आई एम फ्रॉम हरियाणा वैसे आपकी एज कितनी है क्या करोगे भाई जानकर और मेरे टॉपिक पर जल्दी से वीडियो बना देना डिफरेंस वाली ओके Uh, मैम क्या कॉन्सेंट से इंसेस्ट फैंटेसी पूरी कर सकते हैं भाई इंसेस्ट की फैंटेसी सही ही नहीं है मुझे नहीं लगता इसमें कभी कॉन्सेंट हो सकता है मुझे नहीं लगता मतलब तो मेरे हिसाब से तो इसमें कॉन्सेंट हो ही नहीं सकता है अगर एक गलत रास्ते पे चलेगा तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरा भी चलेगा मेरे हिसाब से इसमें कॉन्सेंट पॉसिबल ही नहीं है uh, मैम बोलविप क्या होता है क्या होता है और अथर्व बोलते हैं उन्होंने आगे के पूरे बाल उड़ा दिए सिंसर से अच्छा आ मैंने पक्का बनाइए गैस टॉपिक पर वीडियो ओके फ्रंट से पूरा ही कट कर दिया ओहो और पंद्रह मिनट हो गए भाई चलो हो।, हो जाती है कभी कभी मिस्टेक अथरवा पर तुम्हारे लिए हेयर कट मतलब ना ऐसी चीज हो गई है कि बोलते हैं ना बहुत बड़ी परेशानी हेयर कट हेयर कट हेयर कट आई थिंक दो साल से दो साल से तुम हेयर कट के लिए परेशान हो है ना पहले कौन सा हेयर कट करवाऊँ कौन सा हेयर कट करवाऊँ अभी अभी ये पार्लर वाली आंटी ने तुम्हारे साथ ऐसे कर दिया नॉर्मल uh, मैंने बोला ना आजकल कुछ भी हो सकता है भाई किसी को कोई भी शौक हो सकता है और कोई कुछ भी फैंटसी को फुलफिल कर सकते हैं इस मतलब लोगों की जो थॉट्स है ना वो बहुत अलग हो गई है बहुत चेंज हो गई है कोई कुछ भी करने के लिए तैयार होता है मतलब गलत तो किसी के लिए कुछ रह ही नहीं गया है कि ये चीज गलत है सब अपने मन के करना चाहते हैं सबको जो अच्छा लगता है ना वो करना चाहते हैं तो उसी चक्कर में फिर क्या बोलूँ मैं वैसे ये सब की अपनी थॉट होती है ना कि क्या मतलब वो करना चाहते हैं पर एक बात और है गलत सही के मायने जो होते हैं ना वो हर इंसान के लिए अलग अलग होते हैं एक चीज मेरे लिए गलत है ना हो सकता है वो सामने वाले के लिए सही हो ऐसा होता है ना एक चीज मुझे गलत लग रही है पर आपको सही लग रही हो या मुझे सही लगती है किसी और को गलत लग रही हो तो ये जो सही गलत है ना इसका मीनिंग सबके लिए अलग अलग होता है जिसको जो चीज पसंद है वो तो उसके लिए सही है ना वो तो करना ही चाहेगा फिर सामने वाले चाहे कुछ भी बोले हाँ यस मैम ट्रू हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ ना अभी कोई चीज मुझे सही नहीं लग रही है तो जरूरी थोड़ी ना है कि वो सबको सही नहीं लगेगी। ओके okay. बिल्कुल सही बात मैं देखो हमेशा यही बोलती हूँ ना फैंटसीज की बातें जब भी चलती है ना कि फैंटसीज की जो बात है मतलब तो फैंटसी उस हद तक ठीक होती है जब वो खुद को या किसी और को हर्ट नहीं करती किसी को परेशान नहीं करती है किसी को उससे दिक्कत नहीं होती है तब तक तो ठीक है बट अगर ऐसा टाइम हो जाता है कि वो आपको हर्ट कर रही है या आपकी फैमिली को या किसी और को भी तो फिर वो फैंटसी सही कैसे हो सकती है बाकी तो सही गलत के मायने देखिए सबके लिए अलग अलग होते हैं एंड वैश्यु हाय कैसी हो <laughs> और कहाँ हो और आर भी बोलते हैं एब्सोल्युटली बिल्कुल शील होता है क्या अरे रामा मैं फिर भूल गई आपके टॉपिक पे वीडियो बनानी थी सॉरी आजकल वीडियो बनाने का टाइम भी कम मिलता है मुझे हाँ yeah. अच्छी हूँ आप कैसे हो मैं भी बढ़िया हूँ वैश्यो एकदम से ठीक ठाक फिलहाल तो वैसे आजकल पता नहीं चलता अच्छा ये चॉकलेट की फैक्ट्री अभी भी चल रही है क्या वाह <laughs> चॉकलेट की फैक्ट्री अच्छे से काम कर रही है कितनी की इनकम हो जाती है आशु आंटी पार्लर वाली ने बोला कि अब पूरा हेयर हटाना पड़ेगा आगे से बहुत छोटा हो गया है तो अच्छा है ना पूरे हेयर हट जाएंगे तो टीचर कैसे पनिशमेंट देगी हाँ तो कितनी कमाई कर ली चॉकलेट बेच बेच के या फिर फ्री में ही खिलाती हो टेलीग्राम पर मैसेज कर दिया है मैंने अभी रिप्लाई ज़रूर करना अरे भाई देखूंगी देखूँगी देखूँगी वैसे मैंने बोला ना कम्युनिटी पे मैसेज करो कम्युनिटी पे इजी होता है रिप्लाई करना वाई पे मैं रिप्लाई कर देती हूँ बाकी सब जो ये है ना आईडीज़ इन पे बड़ा मुश्किल होता है अब सिस्टर वीडियोस बहुत अच्छी बनाती हो प्लीज यही बनाया करो हाँ गालियां भी बहुत पड़ती हैं मैं बोलती काम की बातें हूँ पर लोग उसके टाइटल थंबनेल देखकर ही मुझे सुनाने लग जाते हैं आ, पर अरे वाह <laughs> ती, तीन हजार रुपये महीना है, <laughs> है और वो कहाँ है उससे बात होती है क्या क्या नाम था उसका मैं तो नाम भी भूल गई हे, क्या नाम था चैनल का वैशु <laughs> राम 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 क्या चैनल था सच्ची में मैं चैनल का नाम भूल गई याद दिलवाओ जरा हाँ अरविंद अरविंद कैसा है ये बताओ आंटी अब मैं क्या करूँ अरे सारे बाल कटवा लो और क्या करोगे टाइम बढ़ाने के लिए क्या करें बता देंगे वीडियो बना देंगे फैसन मग हेलो रविश्वर बोलते मैम आज कल ग्लैम भाभी कहाँ बड़ा इंटरटेन हाँ ग्लैम नहीं आती पता नहीं वीडियो पे भी नहीं देखा मैंने उसको कई दिन से बिजी होगी वो और बताती हूँ ना इंस्टा पे मैं गई नहीं कई दिन से मैसेज चेक नहीं किए तो पता भी नहीं कम्युनिटी पे रिश्तेदार <laughs> किसकी मेरी कम्युनिटी पे आपके रिश्तेदार कहाँ से होंगे बताओ हद है मेरी कम्युनिटी पोस्ट पे आपके रिश्तेदार कहाँ से आएंगे किससे अरविंद से हाँ अरविंद से वही तो पबजी हाँ पबजी सब्जी मैं तो बिल्कुल नहीं ध्यान ही नहीं रहा उसका नाम होती है क्या पता है जिंदा भी है वो और शशांका काचटर्जी हाय रजत अजमेर हाय अथर्व मतलब अरे कटवा दो बाल बिल्कुल छोटे-छोटे करवा दो सारे कटवा दो बट अ प्रॉब्लम मैम आई वांट टू सी माय जीएफ टू कोल्ड हाउ टू टेल हर देखो आपके मन में कोई बात है भाई आप उसको सीधे-सीधे बोल लो ठीक है ना पहली बात तो आप ये सोचो कि वो आपकी बात को अंडरस्टैंड करेगी कि नहीं करेगी अगर वो आपकी बात को समझने वाली नहीं है ना फिर मत बोलना और अगर वो समझती है आपकी बातों पे ध्यान देती है तो उसको सीधे सीधे बोलो उसको पसंद होएगा तो ठीक है नहीं बोलेगी तो फिर आप उसकी में हाँ ना में ना ठीक है कुछ दिन पहले बात हुई थी वन ईयर के बाद हाँ उसका चैनल भी गायब वो खुद भी गायब मतलब अरविंद तो ऐसा गायब हुआ वाइटी से जैसे गधे के सिर से सींग नहीं गायब हो जाते हैं वह सच्ची में कभी कभी मैं अभी पीछे भी मैं याद कर रही थी एक दिन मुझे ना उसके चैनल का नाम नहीं याद आया और आज भी देखो ऐसे ही बार नाम याद आ गया बट उसके चैनल का नाम नहीं याद आया अच्छा ठीक है उसकी जॉब वॉब लगी कि नहीं लगी आ, आप कैसे हो मैं बढ़िया हूँ का तरीका दो वीडियो में नहीं बताया हूँ नहीं बना पाई हूँ इस पर भी और सुंदरता की देवी जी क्या आप मेरा पूरा पढ़ के आपकी वीडियो काफ़ी अच्छी लगती है ओके मैम जी अच्छा अरे बता देंगे अथरवा आंटी पार्लर वाली आंटी ने बुरा बाल छोटा कर दिया टेढ़ा मेढ़ा कट कर दिया ओहो आई एम सख्त सात बटियाल गया अच्छा हाँ अरविंद क्रिएशन था डिलीट है हाँ स्टडी कर रहा अच्छा अभी तक स्टडी ही कर रहा है वैसे इतना टाइम नहीं हुआ मेरे को ही लग रहा है जैसे बहुत टाइम से उससे बात नहीं हुई बहुत सालों से वो तो ऐसा गया वाइटी से कि बस पूछो नहीं मैम क्यूट लड़के हैंडसम लड़के डिफरेंस जितनी भी कैटेगरी होती है इस पर जरूर वीडियो बनाए हाँ जरूर क्यूट हैंडसम चॉकलेट बॉय तीन बोला ना अपना कमेंट कर देना ठीक है ना वरना मैं फिर भूल जाऊंगी और अब क्या करूँ कुछ मत करो तुम ऐसे ही रखो बालों को दिलीप बोलते हैं नमस्कार नमस्कार जी हाय वैश्णी भाई वैश्यू मेरे से बात करने आई है उनको प्लीज परेशान ना करो वरना फिर वो तुम्हारा कॉल मैसेज यहाँ तक तुमको पहचान तक नहीं ब्रो भरोसा मत करना वही तो मैं कह रही हूँ अगर आपको लगता है ना कि हाँ भाई वो आपकी बात को अंडरस्टैंड करेगी समझेगी तो उससे पूछो वरना मत पूछो योर वीडियोज़ आर वेरी यूजफुल मैम इट हैज़ हेपन मी टू नो दैट यू फैंटेसीज विदाउट एनी शेम हाँ तो फिर वही है ना देखो तभी तो, तो बातें करते हैं ना वीडियोज़ बनाते हैं भाई अभी पता है यहाँ पे भी देखो दो तरह के लोग होते हैं अभी हम वीडियोज़ बनाते हैं कोई उसको को किसी नज़रिए से देखता है कोई किसी नज़रिए से देखता है बट हमारी थाट्स अच्छी होनी चाहिए ठीक है ना तो जिसके लिए जो सही है जिसको जो सही लगता है वो वही करेगा फालतू फालतू है <laughs> फाल हाय एक लेडीज़ होकर सेक्स रिलेटेड बातें करना बहुत हिम्मत होती है साहेब अच्छा और फैशन बोलते हैं लो जी सुंदरता की देवी हनी बनी जी बोलो जी कुछ नहीं करूंगी मैं ऑल सी चलो भाई अभी सच्ची में बंद करती हूँ हाफ आर हो गया पंद्रह मिनट का बोल रहा था सो जाओ सारे जाके बाय बाय गुड नाइट जी एन मॉम गुड नाइट वैष्णवी एंड थैंक यू बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके मुझे नहीं पता था वैष्णो आ जाएगी <laughs> होता है ना इतने टाइम बाद ये वाइटी की लाइव ऐसी है ना इनमें हम कभी भी किसी से बात कर सकते हैं ना वरना तो नंबर नहीं है भी सोशल मीडिया पे इतना टाइम देते नहीं है तो फिर ऐसे ही रह जाए है ना मैम आधा घंटा होने वाला है वही तो पंद्रह मिनट के लिए आई थी आधा घंटा हो गया जो लोग आपको बुरा भला बोलते हैं वो आपका वीडियो छुप के देखते हैं हम सब्सक्राइब नहीं करते इतने निकम्मे मतलब मैं ना सच्ची स्क्रीन शॉट ना मेरी वीडियोस परसेंट लोग वो देखते हैं जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा सोचो सोचो कितने, मतलबी, कितने दुनिया है कैसी है बताओ सब्सक्राइबर कर ले तो कम से कम पचास एक हजार सब्सक्राइबर हो जाते मेरे बहुत कंजूस पता नहीं कैसे कैसे बस क्या ही बोलो आह सुंदर चरण और हाँ थे भगवान ये फैशन को भी डालू क्या आह मैं पांच मिनट और रुकी अरे नहीं नहीं बहुत रात हो गई है वो तो मैंने बस ऐसे ही मैंने सोचा चल थोड़ा सा बात कर लेती हूँ चलो भाई बाय सबको गुड नाइट टेक केयर बैली टॉर्चर पर वीडियो ओके स्टमक सिटिंग स्टोरी और पार्ट बनाऊ ट्वेंटी के से आपके साथ हैं हाँ कुछ व्यूवर्स मेरे शुरू से साथ हैं और आप भी काफ़ी टाइम से आते हो मेरे चैनल पर आ, अगली लाइव कब पता नहीं ये तो ऐसे ही कभी मेरा एकदम से मूड बन जाता है ना लाइव करने का तो मैं बातें कर लेती हूँ कोई फिक्स नहीं होता है <laughs> कभी मूड हो जाता है ना चलो थोड़ी सी देर लाइव में बात कर लेते हैं तो लाइव ऑन कर लेती हूँ अरे वाँ 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 वा, फैशन तो ना अपनी हकीकत पर आ जाते हो है ना और मैम मेरे कमेंट का जवाब दे दे प्लीज ऊपर कमेंट है नहीं आपका तो कमेंट नहीं दिखा मुझे पहली चलो भाई बाय गुड नाइट